देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। 18 महीने के मासूम के खेलते खेलते गुमशुदा होने के बाद जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस मासूम को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल आला अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और रात भर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए लापता बालक की तलाश के लिए दो कुओं के पानी को खाली करवाते हुए तलाश ली। मासूम की पुलिस द्वारा समूचे क्षेत्र में गहनता से तलाश की जा रही है। गांव के पास बनी नाड़ी में तलाशी के लिए पुलिस ने SDRF की टीम को बुलाया है। वहीं कल से ही एडिशनल SP और डिप्टी पुलिस जाप्ते के साथ घटना स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। मासूम की गुमशुदी के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मासूम खेलते खेलते गुम हो गया है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मासूम को कोई उठा कर ले गया है। सच्चाई क्या है यह पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। जानकारी के अनुसार केकड़ी जिले के बोराड़ा थाना क्षेत्र के डिगारिया गांव में मासूम बच्चे अपने खेत पर खेल रहे थे। 18 महीने का मासूम कानाराम जाट भी अपनी बहन के साथ खेल रहा था। खेल कूद कर बहन तो घर चली गई, लेकिन कानाराम घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन बच्चा नहीं मिला तो घर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने बोराड़ा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी धर्मपाल मीणा पुलिस जाप्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना करते हुए उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का लवाजमा मौके पर पहुंचा। वहीं गिरिराज जाट के पुत्र कानाराम के गुमशुदा होने के बाद समूचे क्षेत्र में मातमी माहौल है और गांव में कल से ही घरों में चूल्हे नहीं चले। बोराड़ा पुलिस के साथ साथ सराना भिनाय एवं केकड़ी पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और मासूम की तलाश की। घटना की सूचना मिलते ही SP विनीत कुमार बंसल, एडिशनल SP रामचंद्र सिंह, डिप्टी हर्षित शर्मा ने घटना स्थल का मुआयना किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए आसपास के दो कुओं में इंजन पंप लगाकर पानी खाली करवाया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। केकड़ी पुलिस कप्तान विनीत कुमार बंसल पूरी रात घटना स्थल पर डेरा डाले रहे और सर्च ऑपरेशन पूरी रात चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गांव के पास ही बनी नाड़ी में तलाशी के लिए SDRF की टीम को बुलाया गया है। वहीं गोताखोर अपने स्तर पर बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मासूम की घटना को पुलिस गंभीरता से ले रही है, जिसके चलते डॉग स्क्वाड टीम और DST टीम भी मौके पर तैनात की है, ताकि प्रत्येक पहलू पर अनुसंधान किया जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने गुमशुदा बालक का इश्तिहार जारी करते हुए राजस्थान के सभी थाना अधिकारियों एवं GRP को तलाश हेतु भेजा है, जिसमें गुमशुदा बालक की फोटो भी जारी की गई है। मासूम बच्चा गुमशुदा हुआ है या उसका अपहरण किया गया है, यह समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है।